गाइस SBI का ABS ट्रांजेक्शन करते समय हमारे बहुत सारे CSP संचालकों को आज प्रॉब्लम आ रहा है। प्रॉब्लम ये आ रहा है कि जब कोई SBI का ग्राहक हमारे पास ABS के माध्यम से विड्रॉल कराने आ रहा है तो देखिए लगभग 50-60% SBI के ऐसे कस्टमर होते हैं जो कि विड्रॉल कराने से पहले सबसे पहले लोग बैलेंस इंक्वायरी करवाते हैं कि उनके खाते में कितना पैसा है, उसी के हिसाब से वो लोग पैसा निकालते हैं। तो ऐसे में जब हमारे CSP संचालक ग्राहकों का बैलेंस इंक्वायरी करा रहे हैं, मिनी स्टेटमेंट निकाल रहे हैं, तो जब बैलेंस इंक्वायरी करने के बाद मिनी स्टेटमेंट निकालने के बाद सपोज दैट उनके खाते में 5,000 रुपया है, तो यहां पर जब ग्राहक 4,000 रुपया 3,000 रुपया जब विड्रॉल कर रहा है, ठीक है, तो जैसे ही CSP संचालक ग्राहक का फिंगर लगाता है, फिंगर लगाने के बाद अपना एजेंट वेरिफिकेशन करता है अपना फिंगर लगा करके, तो वैसे ही एक पॉपअप शो हो रहा है इनसफिशियंट बैलेंस का। यह देखिए खासतौर से SBI के ग्राहकों के अकाउंट में देखने के लिए मिल रहा है। और दुख की बात यह है कि जब दोबारा से आप उनका बैलेंस इंक्वायरी कर रहे हो तो उनके खाते से जो पैसा है वो कट चुका है। ये बहुत ही ज़्यादा आज इशू देखने के लिए मिल रहा है सुबह से ही, जिसको जैसे SBI के ग्राहकों का आज विड्रॉल नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी रिस्क वाली बात है क्योंकि यहाँ पर CSP संचालकों को भी परेशानी होने वाली है, प्लस यहाँ पर ग्राहक तो परेशान होगा ही होगा। तो बेसिकली क्या है इसके बारे में आप लोगों को डिटेल्स बताने वाला हूँ, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा जिससे कि आप लोगों को सही और सटीक जानकारी मिल सके। देखिए SBI का ABS यूज करते समय ये प्रॉब्लम केवल मुझे ही नहीं आ रहा है, मैंने और कई CSP संचालकों के पास पता किया तो पता चला कि आज ABS का जो सर्वर है काफ़ी ज़्यादा दिक्कत चल रहा है, जो कि बैलेंस इंक्वायरी कर रहे हैं, मिनी स्टेटमेंट निकाल रहे हैं तो उनके खाते में कुछ और बैलेंस शो हो रहा है, लेकिन जब विड्रॉल कर रहे हैं तो वहाँ पर इनसफिशियंट बैलेंस शो कर रहा है। अभी मैं एक आप लोगों को ताज़ा बता रहा हूँ कि अभी मैंने एक ग्राहक का जो है कि मिनी स्टेटमेंट निकाला SBI का, और मिनी स्टेटमेंट जब निकाला तो उसके खाते में 2,005 रुपये थे, लेकिन जब मैंने उसका जो है कि 1,550 रुपये विड्रॉल करने की कोशिश किया तो वहां पर इनसफिशियंट बैलेंस का इशू आ गया, और जब मैंने दोबारा से उसका बैलेंस इंक्वायरी किया तो उसके खाते में मात्र 44 रुपया था। तो बताइए भैया ये कैसे चल रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जबकि आज एक ग्राहक का मैंने 5,960 रुपया मिनी स्टेटमेंट निकाला तो उसके खाते में था, और जब मैंने 4,000 रुपया वहां पर विड्रॉल करने की कोशिश किया तो भी वहां पर इनसफिशियंट बैलेंस हो गया, और जब बैलेंस इंक्वायरी करने की कोशिश किया दोबारा से फिंगर लगा करके तो वहां पर एग्जॉस्ट लिमिट्स का इशू आ गया, यानी कि बैलेंस इंक्वायरी नहीं हुआ। एक बार मिनी स्टेटमेंट निकाला तो 5,960 रुपया था, ठीक, लेकिन जब 4,000 रुपया विड्रॉल कर रहा हूं तो वहां पर इनसफिशियंट बैलेंस आ रहा है। तो देखिए कहीं ना कहीं ये जो प्रॉब्लम है जो है कि SBI के साथ साथ जो है कि NPCI के साथ भी ये दिक्कत है, क्योंकि देखिए खाते में जो बैलेंस शो कर रहा है तो वहां पर बैलेंस विड्रॉल भी नहीं हो पा रहा है। तो बता दें कि SBI के साथ साथ और अन्य बैंकों में होगा तो इसके बारे में मुझे नहीं जानकारी है, और अभी तक मैंने ये केवल पता किया है कि ये जो प्रॉब्लम है स्पाइस मनी के ABS में ही देखने के लिए मिल रहा है। स्पाइस मनी के अलावा कहीं दूसरे जो है कि ABS पोर्टल में अभी तक मैंने ट्राई नहीं किया है, लेकिन बता दूं कि ये जो प्रॉब्लम है अगर स्पाइस मनी में शो कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि अदर कंपनियों में भी शो कर रहेगा, ठीक है। और अगर आपके पास SBI के ग्राहक है, SBI के कस्टमर अगर आपके पास आ रहे हैं विड्रॉल करने के लिए, तो आपके पास विड्रॉल हो रहा है कि नहीं आप लोग मुझे ये चीज़ कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। लेकिन हाँ, जिस तरीके से ये दिक्कत चल रहा है, अभी मैंने ग्राहक का जो बैलेंस इंक्वायरी किया था 2,005 रुपये था, ठीक है, जब मैंने बैलेंस इंक्वायरी किया तो, लेकिन जब मैं विड्रॉल कर रहा जा रहा हूँ 1,550 रुपया तो वहाँ पर इनसफिशियंट बैलेंस लिख रहा है, और जब मैंने दोबारा से बैलेंस इंक्वायरी किया, ठीक है, तो वहाँ पर उसके खाते में मात्र 44 रुपये है। तो यहाँ पर ग्राहक को काफ़ी ज़्यादा समझाना पड़ा, क्योंकि एक्चुअली में मुझे भी समझ में नहीं आया कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, ठीक है। ग्राहक को किसी तरीके से एडजस्ट करके उसे वापस भेज पाया, क्योंकि देखिए यहाँ पर CSP संचालकों के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आ जाता है, क्योंकि ग्राहक ये बोल रहा है कि अभी तो आपने बताया कि 2,050 रुपया था, ठीक है, लेकिन अभी आप क्यों बोल रहे हैं कि 44 रुपया खाते में पैसा है, ठीक है, अभी आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से CSP संचालकों के ऊपर भी प्रेशर आ रहा है, और बता दें कि अगर ये मामला अगर ज़्यादा रुपये का होगा तो भाई ये थाना पुलिस तक भी पहुँच सकता है, ठीक। हालाँकि ग्राहक ये बोल रहा है कि मैं बैंक से जा करके मिनी स्टेटमेंट निकलवाऊंगा, तो मैं भी बोल रहा हूँ कि जा करके निकलवा लो भाई, ठीक है, ताकि ये क्लियर हो जाए कि हाँ ये जो मिनी स्टेटमेंट बैलेंस शो कर रहा था 2,005 रुपये, ठीक है, ये वास्तव में रियल में बैलेंस शो कर रहा था कि बस केवल ये शो कर रहा था, ठीक है। तो देखिए आज SBI के ग्राहकों के साथ उस तरीके का कुछ जो है कि बहुत ही बेकार अपडेट चल रहा है, ठीक है। आपके पास भी ये प्रॉब्लम आ रहा है कि नहीं आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, प्लस आपके पास किस कंपनी का ABS पोर्टल है ये भी बताइएगा, और किन किन कंपनियों में जो है कि पेनियर बाई में, स्पाइस मनी में, रॉयनेट में, किन किन कंपनियों में SBI ग्राहकों के साथ ये प्रॉब्लम आ रहा है, और SBI के अलावा भी अन्य बैंकों के साथ भी आ रहा है या फिर नहीं, ये चीज़ भी आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि यहीं से मुझे जानकारी मिल सकता है जिससे कि
मैं आगे जो है कि फॉरवर्ड कर सकूँ। तो ये चीज़ आप लोग कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आई होप कि वीडियो के माध्यम से आपको एक नया अपडेट मिला होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ।